कोरबा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने मंगलवार को अपने पहले सीट का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री लखनलाल दिवांगन भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। 18 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में पूरे लाल लश्कर के साथ उनके द्वारा दूसरे सीट का नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। इस दौरान सरोज पांडे अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आई। शक्ति और भक्ति का ये पर्व है और शक्ति और इस भक्ति के पर्व को हम सब बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी के अवसर पर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और माता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बाकी 18 को हम फिर जब करेंगे पार्टी के साथ में अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ, उस समय पूरी बातें करेंगे। मैडम पूरा लोकसभा कांग्रेस बोल रही है 4 से 5 सीट हमारी आ रही है, इसमें क्या कहना चाहती हैं? कोई सपने देखे, सपने देखने से किसने किसको रोका है? सपने तो सपने ही हैं, सच में नहीं बदलते हैं। लगातार आप कोरबा लोकसभा दौरा कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं भैया? विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। पिछले सालों में यहाँ पर विकास शून्य रहा, भ्रष्टाचार असीम रहा और जो तात्कालिक जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में